सर, ये पास्टर साजिद हमारे पास आए हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी तकलीफ में और मुसीबतों में थे, तो रिजॉयस मिनिस्ट्री की तरफ से हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आके यहाँ पे गरीबों को रिलीफ दिया। और हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था, हमने मीडिया में भी एक्शन लिया था, पर कोई रिलीफ मारवाड़ी भील लोगों के लिए नहीं आया, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और इन्होंने हमारे लोगों की हेल्प की। थैंक यू, मेहरबानी। मदद करिए, शुक्र रजोच मैनेट्री, मदद करिए, शुक्र। सिंध में इधर लोग बहुत मुतासर हो चुके हैं। दरअसल ज़्यादातर मारवाड़ी लोग पास्टर साहब इधर आए हमारे रिलीफ फंड देने के लिए। लोग भूखे और प्यासे तरस रहे थे इधर, उनके बच्चे भी बीमार हैं, वो रे इलाज, उनके पास कोई इलाज के लिए पैसा नहीं है। और खुदा पास्टर साहब की मदद करे जो इन्होंने आके इधर रिलीफ फंड दिया है, और हम उसके शुक्र गुज़ार हैं। मिस्टर साहब रिजाज मिस्टर शुक्र गुजार हूँ। अस इन वक्त ढा बुख्या हूँ, अ तरफ बुख मरूँ था बरसात में सैलाब में। साहब के मेहरबानी आ जेका असांजी अची असांके राशन पानी अची असांके दिनो थौ, या मेहरबानी। हम शुक्र गुजार है पास्टर साजिद के जो सियालकोट से आए हैं रिजॉयस मिनिस्ट्री के, तो हम बहुत शुक्र गुजार है। हमारे लोग इस टाइम खाने पीने की वजह से बहुत तंग थे और उनके पास मजदूरी नहीं है, तो इस टाइम वो बहुत परेशान थे, बीमारियों से भूख से तड़प रहे थे। और हम शुक्र गुजार हैं इन भाइयों के, पास्टर साजिद के, कि वो यहाँ पे आए और हमारे लोगों को उन्होंने राशन तकसीम किया और खाना भी खिलाया और प्रे भी किया हमारे लिए। तो हम उसके बहुत बहुत शुक्र गुजार हैं रिजर्स मिनिस्ट्री के और पास्टर जी के। थैंक यू।